और एक बार फिर से लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं। लखनऊ में कल तेज बारिश के बाद पानी जमा होने के दौरान हुड़दंग पर एक्शन देखने को मिला है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए लखनऊ के एक डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटा दिया है। यही नहीं, जिस इलाके में कल ये वाकया हुआ था वहां के थाने के एसएचओ, चौकी इंचार्ज और चौकी के सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि बारिश के चलते लखनऊ में काफी जल जमाव देखने को मिला और जल जमाव के बाद जो लोगों का और कुछ शरपसंद अनासिरों का हुड़दंग था वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। तो वहीं छेड़छाड़ भी की गई थी पानी में और ऐसे में पुलिस हालात को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मामले का नोटिस दिया गया और इस मामले में कार्रवाई यहां पर की गई है और डीसीपी समेत एडीसीपी, एसीपी को हटाया गया है और वहां के इलाके के एसएचओ और चौकी इंचार्ज और चौकी के सारे पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है कि क्यों हालात को कंट्रोल नहीं किया गया। पानी भरने के बाद लोगों ने जबरदस्त तरीके से हुड़दंग किया और मुसाफिरों को खास करके परेशान किया। तो वहीं रास्ते से गुजर रही खातून पर भी छेड़छाड़ करने की तस्वीरें सामने आई थी, उनको भी परेशान करने की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देखिए, इस तरह से हुड़दंगबाजी खुलेआम यूपी में देखने को मिल रही है और ये यूपी के लखनऊ का वाकया है जहां पर इंतजामिया और पुलिस की लापरवाही की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अतीक, आपने देखा था कि कल किस तरह से हुड़दंगबाजी देखने को मिली पानी भरने के बाद, कहीं ना कहीं अब ये एक मिसाली कदम है। पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का खुद नोटिस लिया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कहते कि बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को खुद संज्ञान लिया था। कल लखनऊ में जब एक घंटे की बारिश हुई थी तो कई जगह जगह जलभराव हो गए थे। लखनऊ की गोमती नगर का जो वीडियो सामने आया था जिसमें गोमती नगर के जो नीचे का एरिया है, 1090 का एरिया है, वहां पर पानी भर गया था। लगभग 40 से 50 अराजकत पहले वहां पर थे, उसके बाद 20 से 25 अराजकत लगातार जो लोग वहां से निकल रहे थे उनको हालांकि धक्का दे रहे थे और लगातार उनकी दाद बदतमीजी कर रहे थे। ऐसे में एक महिला अपने पति के साथ जब वहां निकल रही थी तो हुड़दंगियों ने उसके ऊपर पानी फेंका और उसको गिरा दिया और छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा था। लगातार लखनऊ वासी लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे थे और ये लिख रहे थे कि ये तहजीब का शहर लखनऊ तो नहीं हो सकता है, लखनऊ में ऐसी बर्बरता पहले कभी नहीं हुई है जहां खुलेआम महिलाओं के साथ छेड़खानी हो। हालांकि पूरे मामले में जब सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही थी तो मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, सलाम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता दिखाया था। उसके बाद लगातार जो अधिकारी है वो ये बात कर रहे थे कि जो दोषी लड़के हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात करें तो एक एफआईआर दर्ज की गई थी, मगर एफआईआर जो दर्ज की थी इस एफआईआर में छेड़छाड़ घटना ना दर्ज करते हुए खाली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज कर दी थी तरफ से कि जो पानी फेंका गया था वो पानी दूषित था, जिसे जिस महिला के ऊपर पानी फेंका गया था वो हालांकि कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकती थी। इस जो लाइन ये दर्ज की थी इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है कि इतने बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं, सामने जो घटना हुई है उसका वीडियो सामने आ रहा है कि कैसे महिला को धक्का दिया गया है, उसको खींचा गया है और उसके साथ बदतमीजी की गई। हालांकि इससे जो पति था वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था कि मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी ना की जाए। इसी को लेकर जो डीसीपी पूर्वी है पलपता सिंह, एडीसीपी अमित कुमार, जो एसीपी है जो इंस्पेक्टर गोमती नगर दीपक पांडे और जो चौकी इंचार्ज, जो दो तीन कांस्टेबल, सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 3 पुलिसकर्मियों को तबादला करते हुए बड़ी कार्रवाई करी है कि महिलाओं के साथ जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसको कहीं ना कहीं जारी किया जाएगा। और ये मुद्दा सदन में भी उठ गया था, समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक थे जिन्होंने इस मुद्दे पे यूपी सरकार को घेरना चाहा, तभी ये बात कही गई थी कि सभी खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। मगर जिस तरह से लखनऊ में ये घटना सामने आई है, पहले लखनऊ जो तहजीब शहर कहा जाता था इस तरह की घटना सामने नहीं आती थी, मगर जो 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है वो चारों लखनऊ के रहने वाले हैं और बाकी की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई। जो डीसीपी सेंट्रल है अपना कैसे ये कहा कि 3 टीमें लगाई गई है, सभी की सब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, सभी को अरेस्ट किया जाएगा। अभी तक पुलिस ने 4 लोग गिरफ्तार किया है और बाकी लोग हालांकि फरार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहद अफसोसनाक ये वाकया लखनऊ से पेश आया जहां पर तहजीब की मिसाल दी जाती है, वहां पर लखनऊ को बदनाम करने की कोशिश देखने को मिली है। अधिक तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।